अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप लोग सारे जो है वो होंगे ठीक ठाक फिट फाट। तो मैं जस्ट अभी हूँ दुबई में बुर्जुमान के पास। मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान कॉन्सुलेट, क्योंकि आज जो है वो है 10 तारीख, और 10 तारीख को जो है वो मेरे बेटे का शनाख्ती कार्ड आना था। मतलब कि यहाँ पर जो कार्ड्स बनते हैंगे फॉर द ओवरसीज पाकिस्तानी, उसका जो है ना उसको कार्ड लेना था। तो बस अभी जो है वहीं पर जा रहा हूँ। टाइम हो रहा है 11:30 और धूप जो है ना, मतलब दुबई के अंदर तो ऐसा लगता है जैसे सर्दी में भी जो है ना वो साला गर्मी लग रहा है। ये मामला जो है ना मुझे समझ में नहीं आता। तो जाते हैं अंदर, क्योंकि अंदर जो है वो फिल्मिंग वगैरह जो है ना बिल्कुल स्ट्रिक्टली ना सारी चीज़ें मना है। अंदर जाते हैं, वहाँ से जो है वो मेरे बेटे का कार्ड उठाते हैं और फिर थोड़ा बहुत जो है वो कुछ खाते हैं। साहब ये तो चेक करें, मुझसे जहाँ का जो है वो शनाख्ती कार्ड बन के आ गया। इसने जो है वो मतलब कैमरे के सामने देखा भी नहीं है। ये तो शुक्र करें ये रोया नहीं। और कंट्री ऑफ स्टे देख लो भाई साहब, दुबई। वाह, मैंने पूछा था कि यार NIC वगैरह की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। बोला भाई जो दुबई के अंदर जो रहते हैं, मतलब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं या फिर जो दुबई में एक दिन का भी बच्चा होगा उसको जो है वो ये नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड की जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है, मतलब NIC की जो है वो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने जो है वो इसको बनाया था कोई अर्जेंट, और इसकी कॉस्ट क्या आई थी? इसकी कॉस्ट आई थी 150 dirhams। कैन यू इमेजिन के उस कॉस्ट के अंदर भी ये मुझे जो है वो एक ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर मिला है, इट्स मुझे जो है वो ये मिला है तकरीबन जो है वो पूरे 9 दिन के बाद, 8 दिन के बाद जो है वो मुझे ये मिला है। दुबई के सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो स्टेशन है ना वो है बुर्जुमान। मतलब यूनियन भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना जो है वो बुर्जुमान कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब आप जो है वो इसमें अंदर घूम हो जाते हो। और बाय द वे इस स्टेशन के अंदर जो है वो शाहरुख खान या सलमान खान की कोई जो है ना वो फिल्म भी जो है ना शूट हुई है पूरी। मैं वो हिस्सा बताता हूँ जहाँ पर जो है वो शायद वो वाला फिल्म का हिस्सा जो है ना वो पूरा का पूरा जो है ना वो शूट हुआ है। भाई ये जो है ना वो मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी फिल्म के अंदर मैंने जो है ना वो देखा है शाहरुख या सलमान खान की ना ये शूटिंग हुई है लाजमी। अगर अच्छा भाई, तो मैं आया हुआ हूँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। मुझे जाना है गल्फ पैक एंड गल्फ प्रिंट के अंदर, जो कि हॉल नंबर जो है वो 2 में, और मैं अभी यहाँ पे हूँ। और हॉल नंबर 2 किधर है? यहाँ पे उनके हाथ पे। तो ये पूरा जो है वो प्रिंटेड रिलेटेड जो है ना वो क्या कहते हैं पूरा जो है वो एग्जीबिशन हो जाएगा। तो इसको जाते हैं और देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो ये लोकेशन है। ये पूरा जो मैं समझा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है ना पूरी एक बिल्डिंग होगी जैसे अमेरिका में थी। बहुत ही खूबसूरत जो है वो यहाँ पे एग्जीबिशन सेंटर, जैसे हमारे एक्सपो सेंटर है ऐसा वही है। और सामने जो है वो पूरा डाउनटाउन एरिया आएगा, और वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं फ्यूचर द म्यूजियम फ्यूचर रहेगा। तो बस अंदर जाते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो है वो आपके भाई का बन गया आएगा विजिटिंग कार्ड। अब इसको पहनते हैं और अंदर जाते हैं। भाई साहब यहाँ पे जो है वो दुनिया भर की मतलब के अमेजिंग कंपनीज आई हुई हैं फॉर द प्रिंट्स, फॉर द लाइक यू कैन इमेजिन कि ऐसी ऐसी यहाँ पे मैंने प्रिंट्स की जो है वो मशीन देखी हैं कि मैं बता नहीं सकता। आई एम शॉक्ड अबाउट दैट, मतलब अमेजिंग मशीनरी जो कि आप जो है वो एक डिजिटल प्रिंट को जो है वो एक अपवर्ड कर देती है। अमेजिंग, लुक एट द मशीन। ये जो है वो स्टिकर्स बनाने वाली जो है ना वो ये मशीन है। क्या ही अमेजिंग जो है वो इसके प्रिंट आए हुए हैं। अमेजिंग सबसे यूनिक जो है वो ये मशीनरी लगी होगी। आई डोंट नो ये जो है वो क्या चीज़ है, लेकिन इनकी जो मैनेजमेंट है, इनकी जो क्या कहते हैं इन लोगों ने जो डिस्प्ले किया हुआ है कि नेस्ट के अंदर जो है वो आप लोगों ने जो रखे रहेंगे आपके एग्स वगैरह, और इसका ये जो है वो प्लास्टिक का जो है क्या कहते हैं तो तोड़ेगा। मशीन ये है, एक ये मशीन है, इसके अंदर से जो है वो पूरी रोल होकर जो है वो इस तरीके से जो है ना वो नट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें बनती हैं। इतनी सी मशीन जो है वो भी निकालती है स्टिकर्स, सही है? इसका काम क्या आएगा ये मशीन इतनी सी, सही है? ये जो है वो प्रिंट करके स्टिकर्स निकालती है, जिसको आप जो है वो लाइक डिस्पोजेबल बॉटल्स में आप अपना ब्रांड्स बना के जो है वो इसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, आप इसको जो है वो इस तरीके से भी लगा सकते हो, आप इसको जो है वो इसके ऊपर भी जो है वो चिपका कर सकते हो। मतलब यहाँ पर तो सारी डिस्क्रिप्शन अदर ब्रांड्स की है, लेकिन अगर आपको जो है वो आपका ब्रांड वगैरह जो है वो करना है तो वो भी आप जो है वो मतलब कि यार अनबिलीवेबल मशीनरीज जो है ना मैंने यहाँ पे देखी। भाई ये देखो कितनी स्पीड से जो है वो मग्स बना रही है, ये जो है वो फाइनल प्रोडक्शन दे रही है। वहाँ पे जो है वो उसको जो है वो जमा कर रही है। सॉरी फॉर द नॉइज, बस यहाँ से जो है वो लोड हो रहा है और
यहाँ पे जो है वो जो भी कप का जो भी सामान होता है वो जा रहा है, पूरा जो है वो फाइनल प्रोडक्ट हो गया पूरी मशीन के अंदर से, ये जो है वो सामने जाके फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। ओके वाह नाइस। अच्छा भाई यहाँ पे जो है वो ये मशीन्स हैं जो कॉटन्स के ऊपर जो है वो प्रिंट करते हैं, ये पूरा जो है वो कॉटन के ऊपर, यहाँ पे कॉटन जाएगा और यहाँ से जो है वो प्रिंट होके पूरा कॉटन जो है वो यहाँ से निकल के इस तरीके से आ जाएगा। अब ये देखो हमारे को ज्वाइन किसने किया आएगा, द वन एंड ओनली मिस्टर मोमिन, मोमिन भाई इस फील्ड के जो है ना वो है किंग। ये मुझे सिखा रहे हैं यहाँ पे, बता रहे हैं कि भाई कौन कौन सी क्या मशीन्स होती हैं और किस मशीन्स को जो है वो क्या कहा जाएगा और किस मशीन का क्या काम है। तो ये मोमिन के साथ भाई, मोमिन भाई के साथ जो है ना मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ। ओके जी, तो हमारा जो है वो यहाँ से हो गया है काम कंप्लीट। अब हम लोग जा रहे हैं दोबारा शारजा। लकीली मेरे पास जो है वो मोमिन भाई है, उनकी गाड़ी है, तो मुझे जो है वो इतनी ख्वारी करके जो है ना वो शारजा नहीं जाना पड़ेगा। मैं हूँ, मोमिन भाई हैं एन है और मैं हूँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं दोबारा शारजा। तो भाई हमारे जो है वो इस ब्रिज के एक तरफ जो है वो सामने ओल्ड दुबई है, जिसको जो है दुबई फ्रेम्स वगैरह जो है वो कहा जाता है। एंड देन द इस साइड पे जो है वो है पूरा का पूरा आपका कह सकते हैं कि डाउनटाउन दुबई एरिया। जस्ट हम लोग जो है वो अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से निकलेंगे, इतना सारा सामान जो है ना हम लोगों को मिलाएगा और अभी हम लोग जो है वो जा रहे हैं यहाँ से। कार जो है वो वहाँ पर पार्क करी हुई है तो वहीं पर जा रहे हैं। बात बताऊँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं, सही है। मुझे तकरीबन जो है ना वो हम लोगों को जो है वो रहते हुए तकरीबन 2 मंथ होने वाले हैं, ठीक है। हम लोगों ने 1 मंथ का तो बिल पे कर दिया था, वो तो क्या वो कमाया था, वो इतना प्रॉब्लम नहीं। जब हम लोगों के पास एक प्रॉपर बिल आया ना, जिसके अंदर जो है मतलब इस मंथ जो है वो हमारे पर प्रॉपर बिल आया घर के अंदर, ठीक है। अब वो प्रॉपर बिल कितना आया आपको पता है? आप लोगों को हैरानी होगी कि वो प्रॉपर बिल तकरीबन जो है 2 कमरे के जो है स्प्लिट एसी चलाने के साथ पानी चलाने, मतलब पानी का यहाँ पे पानी का भी बिल आता है, साथ में गैस का भी बिल, तो वो आया है 440 दिरहम। 440 दिरहम इट्स अराउंड 34,000 रुपये पाकिस्तानी जो है वो 34,000 रुपये जो है वो बिल आएगा ये सारी चीज़ें चलाने के बाद। समझ सकते हैं, 1 मिनट के लिए जो है वो पानी नहीं जाएगा, 1 मिनट के लिए जो है वो गैस नहीं, 1 मिनट के लिए जो है वो बिजली नहीं, तो 34,000 रुपये मतलब 440 दिरहम जो है वो बिल आएगा पूरे मंथ का, जिसके अंदर हम लोगों ने एसी यूज़ किया है, पानी यूज़ किया आएगा, गैस यूज़ किएगी और मतलब कि अनकाउंटेबल जो है ना वो चीज़ हम लोगों ने यूज़ किएंगी, लेकिन बिल्कुल ही मुनासिब जो है वो बिल आएगा। यहाँ पे जो है वो सीवा जो है यहाँ की अथॉरिटी है जो कि जो है वो सारे बिल्स को जो है वो देख रही होती है। बस मैं जो है वो अभी लुलू में आया हूँ बिल पे करना है, किसी भी मशीन से जो है वो बिल पे हो जाता है। मैं बताता हूँ कि बिल्स जो है ना वो कितनी आसानी से जो है वो यहाँ पे हो जाते हैं। ओके जी, तो ये मशीन है भाई, ये आ गए हम लोग जो है वो सीवा पे, यहाँ पे जो है वो इंग्लिश, यहाँ पे मुझे जो है वो अपना नंबर डालना आएगा, ये आ गया आएगा मेरा बिल और अब इसको जो है वो पे कर देते हैं। ये यहाँ पे जो है वो बिल पे हो गया जी। दैट्स इट, दैट्स अ व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को जो है आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो मुझे मुझसे आप हमारी पूरी फैमिली को अपने दुआ में याद रखिएगा। पे मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।